हेलो दोस्तों, तो आज मैं बालों के प्रकार और उसके देखभाल के लिए मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ। और मैं इस बालों की समस्या को लेकर के तीन तीन वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं बालों के प्रकार एवं देखभाल। चमकीले और काले घने बाल सबको आकर्षित करते हैं। अपने बालों को काला और घना करने के लिए यदि कोई लापरवाही रोज करते हैं तो बाल समय से पहले सफ़ेद और दो मुँहे हो जाते हैं, दो मुँहे होने भी लगते हैं तो, और रूसी होने लगते हैं और काफ़ी तेज़ी से बाल गिरने लगते हैं। तो आज सेम इसी के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ महिलाएं हमेशा इस बात को लेकर अनजान रहती हैं कि उनके बालों का प्रकार क्या है। अपने बालों की प्रकृति जाने बिना वे अपने उपायों में अपना वक्त बर्बाद करती हैं। और स्त्रियों की सुंदरता बालों को माना गया है, तो अपने बालों की प्रकार जानकर ही उसका देखभाल करें और उसी के अनुसार ही उसको कोई शैम्पू या जो भी चीज़ यूज करना है करें। तो दोस्तों आइए कुछ जानते हैं बालों के महत्वपूर्ण बारे में। हमारे सिर के एक बाल की उम्र लगभग 7 साल की होती है। महिलाओं के सिर पर पुरुषों से अधिक बाल होते हैं। सोते समय और गर्मियों में बाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। 16 से 24 साल की उम्र तक बाल ज़्यादा बढ़ते हैं। 40 से 50 साल की उम्र तक आते आते महिलाओं के बाल लगभग 20% झड़ने लगते हैं। उम्र के साथ साथ बाल रूखे होने लगते हैं। स्वस्थ बालों में लचीलापन ज़्यादा होता है। ऐसा मानना है कि हमारे सिर का एक बाल मोटाई के एक कापर के तार से भी अधिक मजबूत होता है और नवजात शिशु के बाल काफ़ी मुलायम होते हैं, लेकिन 6 महीने का होते होते वो अपना अलग ही टेक्सचर बना लेते हैं। बालों की मजबूती और स्ट्रेचबिलिटी को जांचने के लिए अपने सिर से एक बाल तोड़कर दोनों उंगलियों में फंसाकर और उसको खींचें, हल्के से खींचें। अगर हल्के से खींचने पर बाल टूट जा रहे हैं तो ये समझिए कि आपके बाल बहुत कमज़ोर हैं। और ऐसे में किसी भी प्रकार के रसायनों का उपचार करने के लिए हानिकारक ही होगा। अगर आप चश्मा लगाते हों तो अपने चश्मे का फ्रेम इस तरीके का पसंद करें जो आपके हेयर स्टाइल के अनुसार हो, मतलब मेल खाता हो आपके हेयर स्टाइल से। और हेयर स्टाइल कटवाते समय ये ध्यान रहे अपना फ्रेम चश्मा साथ में लेके जाएं ताकि वो हेयर स्टाइलिस्ट आपका बाल बढ़िया से काट सके आपके चश्मे के अनुसार। आते हैं दोस्तों बालों के प्रकार। तो बाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तेलीय और रूखे और सामान्य। तो सिर की त्वचा के नीचे सेवेशियन ग्रंथि होती है जिनमें सीबम नाम का तत्व बनता है। बालों की प्राकृतिक चमक शरीर में बनने वाले इस सीबम की मात्रा पर ही निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम आते हैं सामान्य बाल, ना तो तेलीय होते हैं और ना ही रूखे। इन बालों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इनमें कोई भी स्टाइल आसानी से बनाया जा सकता है। अब आते हैं रूखे बाल। रूखे बाल बेजान और कांतिहीन लगते हैं, इन्हें संवारने में भी मुश्किल आती है और ये बाल उलझते भी ज़्यादा हैं। ज़्यादातर रूखे बाल जड़ में से मोटे होते हैं और आखिरी सिरे तक आते आते दो मुहे हो जाते हैं। नंबर 3, ये तेलीय बाल हैं, पतले और चिकने होते हैं। इन बालों में हमेशा चिपचिपाहट सी महसूस होती है। तेलीय बालों पर धूल मिट्टी प्रदूषण का प्रभाव जल्दी होता है। स्वस्थ बालों में काफ़ी लचीलापन होता है। इन्हें खींचकर 20 से 30 सेंटीमीटर प्रति
तक लंबा किया जा सकता है। कुछ महिलाओं के बाल बालों मिश्रित भी होते हैं, यानी जड़ों की ओर से तेलिए और आखिरी के आखिरी सिरे तक पहुंचते पहुंचते बाल रूखे और दोमुंहे हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है और आगे हम करेंगे बालों की देखभाल व मालिश। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में कोई भी चीज़ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप देख सकें।